हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बूस्ट कन्वर्टर बनाएंगे। बूस्ट कन्वर्टर एक स्टेप अप वोल्टेज रेगुलेटर होता है, यानी ये अपनी इनपुट पे आने वाले वोल्टेज को ज्यादा करके अपने आउटपुट पे देता है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहली चीज़ है MC34063 IC, 1N5819 शॉटकी डायोड, 330 माइक्रो हेनरी इंडक्टर, 1 nF कैपेसिटर, 200 nF कैपेसिटर्स, 200 μF कैपेसिटर्स, 10K वेरिएबल रेजिस्टर, 1 ओम रेजिस्टर, 220 ओम रेजिस्टर, 47K रेजिस्टर, 2 2-pin टर्मिनल ब्लॉक्स, वेरो बोर्ड, जंपर वायर्स। सबसे पहले हम वेरो बोर्ड पे आईसी को कनेक्ट कर लेंगे और इसकी पिन नंबर 2 और 4 को आपस में कनेक्ट करके ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसके पिन नंबर 6 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 330 माइक्रो हेनरी इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को आईसी के पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन को आईसी के पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 1 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को आईसी के पिन नंबर 6 के साथ और इसकी दूसरे पिन को आईसी के पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 220 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को आईसी के पिन नंबर 7 के साथ और इसकी दूसरे पिन को आईसी के पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 1 nF का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को आईसी की पिन नंबर 3 के साथ और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 100 nF का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को आईसी की पिन नंबर 6 के साथ और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे।
इसके बाद वायर बोर्ड पे 100 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को आईसी की पिन नंबर 6 के साथ और इसकी नेगेटिव पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वायर बोर्ड पे एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को आईसी की पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी दूसरे पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वायर बोर्ड पे डायोड को कनेक्ट करेंगे और इसके एनोड को आईसी की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वायर बोर्ड पे 100 नैनोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को डायोड के कैथोड के साथ और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वायर बोर्ड पे 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को डायोड के कैथोड के साथ और इसकी नेगेटिव पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वायर बोर्ड पे एक 10K वेरिएबल रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक साइड की पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी सेंटर पिन को आईसी की पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वायर बोर्ड पे एक 47K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को वेरिएबल रजिस्टर की बची हुई पिन के साथ और इसकी दूसरी पिन को डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वायर बोर्ड पे एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके साथ ही हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब इसके साथ वायर्स को कनेक्ट करते हैं और इसे टेस्ट करके देखते हैं।